Bismillahirrahmanirrahim. In the name of the Lord, most gracious, most merciful. Dear students of intermediate classes, today our topic is from the selection from English verses, The Man of Life Upright, composed by Thomas Kempion. The writer has given the moral character of a good person who actually not deceived by any kind of wrong thoughts or dishonest deeds. He does not have any vanity or a pride or undue prideness in his mind, and he thinks about himself as a perfect man because of these his good qualities. So we are going to begin it. The Man of Life Upright. वो आदमी जिसकी ज़िंदगी इखलाकी कदरों पर मुकम्मल है, उस गिल्टलेस हार्ट इज फ्री, जिसकी बेकसूर दिल आज़ाद दिल हार्ट इज फ्री आज़ाद है फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, सब डिसऑनेस्ट गैर ईमानदाराना अमलों से, और थॉट ऑफ वैनिटी या उन सोचों से जिसमें कोई तकब्बुर हो। ही डज नॉट फॉलो एनी प्राउडफुलनेस। द मैन हू साइलेंट डेज, वो आदमी जिसके आम दिन जो वो गुजारता है इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, बेजरर खुशियों में वो गुजरते हैं, उम होप्स के नॉट डेल्यूट, जिसे उम्मीदें जो हैं धोखा नहीं दे सकती, बिकॉज ही डज नॉट होप टू मच हाई, ही इज in a middle level and thinks about the simplicity of life, not sorrow discontent, और ना ही गम उसे जो है ज़्यादा गमज़दा कर सकते हैं। That man needs neither towers nor armor for defense, nor secret walls to fly from thunder's violence. वो आदमी उसे बड़े और मुनारों की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी हथियार की ज़रूरत है अपनी डिफेंस के लिए, और ना ही उसे अंडरग्राउंड चेम्बर्स, जिसे वो वॉल्ट्स जो वर्ड लिखा हुआ है वॉल्ट्स, नो सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई, उसे किसी भी छुपे हुए अंडरग्राउंड चेम्बर्स से निकलने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फ्राम थंडर्स वायलेंस, बिजली आसमानी बिजली की तबाही से। ही ओनली बिहोल्ड, वो फकत देख सकता है with unaffrighted eyes, बिल्कुल बेखौफ नज़रों से, the horrors of the deep, तबाहकारियाँ समंदर की, deep here means sea, and terrors of the sky, और आसमानी खौफ से वो नहीं डरता, terrors means panic or fright. Thus, in this way, scorning all the cares,
वो हर बात से बिल्कुल बालातर है, टू राइज अबव स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स, टू राइज अबव ऑल द केयर्स एंड डिसलाइकिंग एंड अनसर्टेनिटीज दैट फेट आर फॉर्चून ब्रिंग्स, के जो जिसके लिए तकदीर या किस्मत जो उसके लिए लाती है। ही मेक्स हिज हेवन हिज बुक, वो पाक चीजें, पाक बातें, पाकीदा सोचें जो हैं, जो वो उसकी उसका किताब है, उसके इल्म के लिए है। हिज विजडम हेवनली थिंग्स, उसका अकुल जो है वो खुदाई चीजों के बारे में जानना है, उस पर मुश्तमिल है। हिज गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, अच्छी सोचें फकत उसके दोस्त हैं, अच्छी सोचें ही उसकी दोस्त हैं। हिज वेल्थ उसकी दौलत, अ वेल स्पेंट एज, एक अच्छी तरह गुजरी हुई जिंदगी है। द अर्थ इज सोबर इन, जमीन उसके लिए एक ऐसा बिछोना है, एक ऐसी जगह है रहने की, अ क्वाइट पिलग्रिमेज, जो कि एक मुकद्दस सफर है उसके लिए। सो ऑल दीज क्वालिटीज माई डियर स्टूडेंट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट अ पायस पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। ही डज नॉट फॉलो एनीथिंग, एनी रॉन्ग थिंग्स, बट ही इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, डिसऑनेस्ट एक्शंस। ही फॉलोज गुड क्वालिटीज ऑफ लाइफ, ही बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ हिज थॉट, मेंटेन्स हिज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, एंड हिज गुड थॉट्स आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ हिज लाइफ। दैट्स ऑल, थैंक यू।